बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने स्प्रेडशीट के अंदर आप किस तरीके से कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, फॉर्मेटिंग सेल इन स्प्रेडशीट। दोस्तों, फॉर्मेटिंग के माने क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग मीन्स अरेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट इन अ सेल। क्योंकि दोस्तों, हम स्प्रेडशीट के अंदर सेल्स पर सारा काम करते हैं, तो उन सेल्स में पड़े डेटा की अपीयरेंस को चेंज करने के अमल को कहा जाएगा फॉर्मेटिंग अ सेल। यानी आपकी वर्कशीट में जो सेल है और उन सेल्स में जो डेटा पड़ा हुआ है वो किस तरह का दिखेगा, उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उसकी बनावट क्या होगी, तो ये कहलाएगी फॉर्मेटिंग। और एमएस एक्सेल आपको बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनके जरिए आप अपने सेल को और उसमें पड़े डेटा को मजीद खूबसूरत और एनहांस कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी सेल को एमएस एक्सेल में आप तीन तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। आप उस सेल में पड़े डेटा के फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, आप उस सेल की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, और आप उस सेल में पड़े न्यूमेरिक डेटा को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉन्ट फॉर्मेटिंग की। दोस्तों, फॉन्ट फॉर्मेटिंग में हम फॉन्ट्स का साइज, उनका स्टाइल, आप उस डेटा को कितना इंक्रीज करना चाहते हैं, कितना डिक्रीज करना चाहते हैं, ये देखेंगे। इसके अलावा भी मजीद ऑप्शंस हम आपको अप्लाई करना सिखाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एमएस एक्सेल में फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपको एक अलग से ब्लॉक दिया जाता है। आप जब इस होम टैब के अंदर ये जो सेकंड ब्लॉक देखेंगे विच इज फॉर फॉन्ट फॉर्मेटिंग, यानी यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये तमाम ऑप्शन आपको एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप अपने सेल में पड़े टेक्स्ट को, अपने सेल में पड़े टेक्स्ट के फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी उसको वो जिस तरीके से दिख रहा है उसकी दिखावट को चेंज कर सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है सेल को। सिलेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इस बी पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया था उसमें पड़ा डाटा अब बोल्ड हो चुका है। अगर आप इसको दोबारा से नॉर्मल हालत में लाना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे, तब ये पहले जैसी हालत में आपको नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, यही ऑप्शन आप कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज कंट्रोल जेड। दोस्तों, जैसे ही मैं कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल बी जैसे ही मैं कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल और बी को एक साथ प्रेस करूंगी तो अब मेरा ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है, और मैं जब इस पर क्लिक करूंगी तो ये दोबारा से अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसके बराबर में एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा विच इज इटैलिक, यानी अगर आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को इटैलिक करना चाहते हैं तो आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके डाटा पर आपको ये स्टाइल अप्लाई करना है, उसके बाद आप इस आई पर क्लिक करेंगे तो अब आपके उस सेल का फॉर्मेट इटैलिक हो गया है। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इस आई पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और दोस्तों, यही काम अगर आप शॉर्टकट की के जरिए करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपका टेक्स्ट दोबारा से इटैलिक हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। अक्सर हम हेडिंग्स वगैरह के अंदर अंडरलाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को विच इज डी। दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, यू एंड डी। यू है फॉर सिंगल अंडरलाइन, यानी अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक लाइन के जरिए अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लाना चाहते हैं तो आप यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप डबल अंडरलाइनिंग करना चाहते हैं इस तरह से तो आप डी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप डी पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सेल के नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगी, और अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इस दोबारा इस डी पर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो दोबारा से नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और इसके लिए भी शॉर्टकट की आपको एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है विच इज कंट्रोल यू। जैसे ही आप कंट्रोल यू पर को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। दोस्तों, अंडरलाइन के अलावा आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा जहाँ पर आपको हजारों किस्म के फॉन्ट्स नजर आ रहे होंगे, तो जिस भी फॉन्ट को आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले आपको जिस सेल में पड़े डेटा पर वो फॉन्ट अप्लाई करना है आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जो भी फॉन्ट आपको चाहिए यहाँ से आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट का स्टाइल भी वही हो जाएगा। आइए इसको दोबारा करके देखते हैं। आप सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाएंगे। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ कॉपर ब्लैक को। तो दोस्तों, अब मेरा जो फॉन्ट है उसका स्टाइल
कॉपर ब्लैक हो गया है। इस तरीके से आप किसी भी फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना कर सकते हैं। और अगर आप इसको दोबारा से नॉर्मल हालत में लाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड। जैसे ही आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, आप सबसे पहले अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉन्ट्स के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं लेंथ वाइज, तो बिल्कुल इसके बराबर में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी जिसके अंदर आपको अलग अलग साइजेस नजर आ रहे होंगे। तो आप उन साइज को अप्लाई करके, यानी बड़ा, जैसे जैसे आप उस साइज को इंक्रीज करेंगे तो आपके फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे आप इन नंबर्स को डिक्रीज करते जाएंगे तो आपके फॉन्ट का साइज भी डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल इसके बराबर में आपको ये दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये भी यही काम करते हैं। इनके जरिए भी आप अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अब मेरे फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैं इस बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो अब मेरे फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये तमाम ऑप्शंस थे जिनके जरिए आप अपने सेल में पड़े डेटा के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यही ऑप्शन एमएस एक्सेल के अंदर, आपको यहाँ पर आपको इस एक एरो नजर आ रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसका नाम है फॉर्मेट सेल। दोस्तों इस विंडो में आपको एक अलग से ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर कई तरह के ऑप्शंस हैं, नंबर्स, अलाइनमेंट्स, फॉन्ट्स। जैसे कि मैं आपको बात कर रही थी कि आप यहाँ पर तीन तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट। तो फॉन्ट के अंदर ये तमाम आ जाती है, इसके अलावा नंबर और अलाइनमेंट हम बाद में सीखेंगे। तो दोस्तों फॉन्ट के अंदर जो जो ऑप्शंस हमें यहाँ अवेलेबल हैं वो तमाम ऑप्शंस आपको इस फॉर्मेट सेल्स की विंडो में भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, उसके अलावा यहाँ पर आप उसका स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, ये तमाम ऑप्शंस आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फॉन्ट फॉर्मेटिंग। दोस्तों ये तो था सेल में पड़े डेटा पर फॉर्मेटिंग करना। इसके अलावा आप सेल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, उसकी बनावट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स के अंदर बॉर्डर्स वगैरह आप डाल सकते हैं, और बॉर्डर्स डालने के बाद आप अपने उस सेल को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। किस तरीके से, आइए इसकी फॉर्मेटिंग आपको सिखाते हैं। दोस्तों बॉर्डर्स को आप एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले उन सेल्स को जिन पर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फॉन्ट के ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब कई तरह के बॉर्डर्स आपको नजर आ जाएंगे, और ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो आप क्लिक करके, एक क्लिक के जरिए इन तमाम ऑप्शंस के थ्रू आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने सेल्स सिलेक्ट किए हैं इनके सिर्फ चारों तरफ बॉर्डर शो हो, तो मैं आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करूंगी और आप देखिए कि इन सेल्स के चारों तरफ आपको बॉर्डर नजर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इनके आउटसाइड और इनसाइड, यानी अंदर और बाहर दोनों की तरफ बॉर्डर चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करूंगी, तो इस तरीके से आपको चारों तरफ बॉर्डर नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको सिंपल क्या करना है, आपको उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है जिन पर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है, उसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी बॉर्डर चाहिए आप वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, पहले से कोई बॉर्डर मौजूद है और आप वो हटाना चाहते हैं, तो आप नो बॉर्डर के थ्रू उस बॉर्डर को हटा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अक्सर हम चाहते हैं कि भाई हम खुद से भी अपने टेबल्स के अंदर बॉर्डर ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस लाइन में बॉर्डर चाहती हूँ, इस वर्टिकल लाइन में बॉर्डर चाहती हूँ, तो वो किस तरीके से होगा, उसके लिए आपको किसी किस्म की सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और ड्रॉ बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। अब आपको जहां भी बॉर्डर चाहिए आप उसको बआसानी इस तरीके से ड्रैग करके वो बॉर्डर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीकेकार है जिसके जरिए आप बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी मैं एक लाइन अप्लाई कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रिड की तरह हर एक सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा, जब तक कि मैं खुद उन्हें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ड्रॉ नहीं करूंगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं चाहती हूँ कि हर एक सेल सिलेक्ट हो जब भी मैं इस तरीके से क्लिक करूं, तो इसके लिए आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, वो है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड का। दोस्तों जैसे ही मैं इस ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पर क्लिक करूंगी, अब मैं जहां भी ड्रैग करूंगी आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक सेल पे बॉर्डर आता जाएगा। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि अब हर एक सेल जो है वो बॉर्डर वाला हो गया। तो इस तरीके से आप ड्रॉ ग्रिड ऑप्शन के थ्रू हर एक सेल पर भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं इनमें से किसी भी सेल पर से बॉर्डर हटाना चाहती हूँ,
तो वो भी मैं आसानी कर सकती हूँ। आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नजर आएगा ड्रॉ बॉर्डर्स में इरेज बॉर्डर का, यहाँ पर आपको इरेजर भी बना नजर आ रहा है, आपका कर्सर अब इरेजर की तरह काम कर रहा है। अब जहां से भी आपको उस बॉर्डर को हटाना है आप अपने इरेजर को वहां लेकर जाएंगे, उसके बाद आप अपने माउस की मदद से क्लिक करेंगे तो अब आपकी वो लाइन इस तरीके से वहां से रिमूव हो जाएगी, यानी जो आपने बॉर्डर ड्रॉ किया है वो आप इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था बॉर्डर को ड्रॉ करना, रिमूव करना। अब अगर मैं अपनी लाइन का कलर चेंज करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ पर रेड कलर नजर आ रहा है, मैं अपनी लाइन का कलर जो है वो ऑरेंज करना चाहती हूँ, तो वो किस तरीके से होगा। मैंने कलर चूज किया, चूज करने के बाद अब मैं जहां पर भी बॉर्डर ड्रॉ करूंगी जो कलर मैंने चूज किया है अब उसी कलर का बॉर्डर आपको नजर आएगा। ये देखिए ये मेरा कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स के कलर्स भी रिमूव कर सकते हैं, दूसरे कलर्स जो आप चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है लाइन स्टाइल का। दोस्तों यहाँ पर तो आपको सिंपल ये वाली लाइन नजर आ रही है, मतलब एक थिक लाइन हमने सिलेक्ट की है। अगर आप कोई और लाइन अपने बॉर्डर्स के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने ये लाइन सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जहां भी लाइन क्लिक करूंगी अब आप देख सकते हैं कि आपके बॉर्डर्स की लाइन ये बन गई है। तो इस तरीके से आप अपने बॉर्डर्स की जो स्टाइल है उनकी लाइनिंग स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बॉर्डर फॉर्म। दोस्तों फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जो तीसरा फीचर एमएस एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है वो है सेल्स, और उसमें पड़े डेटा के कलर्स को फॉर्मेट करना, उनके कलर्स को चेंज करना, उसके टेक्स्ट के अंदर आप किस किस तरह के कलर्स भरना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज अगर आपको उसमें कलर्स नहीं मिल रहे तो आपको उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। तो आप अपनी स्प्रेडशीट में मौजूद सेल्स के अंदर किस तरीके से कलर्स को फिल कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट के कलर्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आइए इसकी डिटेल्स हम आपको। दोस्तों एमएस एक्सेल में आप किसी भी सेल या फिर सेल में मौजूद डाटा का कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जिस भी सेल का कलर चेंज करना है आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इस बकेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से कलर्स आपको नजर आ जाएंगे। अब आपकी मर्जी है आप जिस भी कलर को अपने इस सेल के अंदर भरना चाहते हैं आप यहां से उन कलर्स को चूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर ये आपको प्रीव्यू में भी दिखा रहा होगा कि मैं जिस भी कलर पर अपना कर्सर लेकर जाऊंगी तो मेरे सेल का कलर वही हो जाएगा। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कलर को चूज किया और चूज करने के बाद इसको क्लिक कर दिया तो अब मेरे सेल का कलर वही हो गया है जो मैं चाहती थी। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल को कोई भी रंग दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मजीद कोई रंग भरना चाहते हैं इन रंगों के अलावा तो आप मोर कलर्स पे जाकर भी उन मजीद रंगों को चूज करके ओके पर क्लिक करके आप अपने सेल का कलर अपनी मर्जी के मुताबिक भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सेल का कलर। अब बात आती है सेल में मौजूद डेटा के कलर को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बकेट के बराबर में ही एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा फॉन्ट कलर का। यहाँ पर आप इस ड्रॉप डाउन पर एरो पर क्लिक करेंगे तो जो बिल्कुल पहले के ऑप्शन की तरह आपको यहाँ पर भी बहुत सारे कलर्स का थीम नजर आएगा। अब मैं जिस भी कलर का अपना टेक्स्ट बनाना चाहती हूँ मैं उस पर क्लिक करूंगी तो इस तरीके से मैं अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये था तरीकेकार कि आप किसी भी टेक्स्ट या फिर सेल के कलर को किस तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी किस्म का कोई कलर नहीं भरना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका जो सेल है उसके अंदर कोई कलर नहीं हो तो आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद नो फिल पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सेल का कलर कुछ भी नहीं होगा, मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा, इसमें किसी किस्म का कोई रंग आपको नजर नहीं आएगा। तो ये वो तरीकेकार था जिनके जरिए आप कलर्स और सेल का कलर और सेल पे पड़े डेटा का कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने सीखा कि आप किस तरीके से फॉन्ट बॉर्डर और कलर्स को अपने सेल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग करना सिखाएंगे जिसके अंदर आप किसी भी सेल और उसमें मौजूद डेटा पर किस तरह से अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।